हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुमर कुकिंग। से कौन है वीडियो लेके आ गए आप लोगों के लिए। एज वी ऑल नो रामनवमी आ रही है और रामनवमी के दिन हम लोग कुछ स्पेशल तो खाएंगे। सो आज हम बनाने वाले हैं राइस खीर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आप लोग की सारी वीडियोज पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम लोग को लेना है कढ़ाई में 500 ml दूध। दूध को हमें अच्छे से चलाते रहना है, उसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी कम करनी है। दूध थोड़ा सा गर्म होने के बाद हमें थोड़ा सा दूध अलग निकाल लेना है। जो थोड़ा दूध हमने अलग निकाला है उसमें हम थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा एक बार चम्मच से चलाने के बाद हम उसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ दूध में भी हमारे उबाल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, छोटे वाले चावल को हम लोग ने जो 30 मिनट पहले भिगो के रखे थे उसको ऐड कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं छोटे वाले चावल ही इसको ऐड करिएगा, जिससे ना खीर में छोटे वाले चावल जल्दी पक जाते हैं। तो चावल डालने के बाद भी हमें इसको अच्छे से चलाते रहना है। तो हमारा चावल भी अब रेडी होने लगा है। हमने जो केसर का दूध अलग रख करके रखा था उसको ऐड कर लेंगे, फिर से इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे। तो चावल हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको जो भी डालना हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड पिस्ताचियो डाला है। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने खीर में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 TSP चिरौंजी। चिरौंजी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो नहीं डालें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/3 कप शुगर। उसको हमें अच्छे चलाते रहना और शुगर को हमें डिजॉल्व कर लेना अपने खीर में। हम लोग 1 TSP किशमिश डाल देंगे इसी में।
टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालिएगा ज़रूर, इससे आपका टेस्ट ना खीर का बहुत बढ़िया आएगा। तो बस हम इसको एक बार थोड़ा सा चला लेंगे। तो हमारी खीर अब रेडी हो गई, हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल या हांडी में। तो खीर को यहाँ पे हांडी में ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो रामनवमी की स्पेशल राइस खीर हमारी अब रेडी हो गई है। इसको एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और इस रामनवमी इसको बना के जरूर ट्राई करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अगर ये वीडियो बनाए तो हमें कमेंट पर मेंशन जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।